हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी। अपन जो वर्क करे जेट टास्क वाला चैप्टर लिया था, उसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट लिया है इनवर्स जेट टास्क। ये तो इनवर्स जेट टास्क में फाइंड दैट इनवर्स ऑफ बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो ये तो अपन सॉल्व आउट करेंगे। बेसिक समझते हैं कि इनवर्स जेट टास्क कैसे लेते हैं अपन, उसकी डेफिनेशन देखें आप क्या होती है। तो इनवर्स पार्शियल इनवर्स जेट टास्क के लिए जेट टास्क यू वन इज इक्वल टू क्या होता है यू बार जेड, ये तो अपन वेल नोन है। अब दोनों साइड में क्या ले लोगे, यहां भी जिसका इनवर्स ले लो जेड इनवर्स, और यहाँ पे क्या कहेगा तो जेड इनवर्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। और इसके बेस पर अपन देखें तो अगर अपने को जेड ट्रांसफॉर्म ध्यान है तो उसका इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे सपोज करो मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की है, ये क्या होता है जेड अपॉन में जेड माइनस का ए रहता है। अब इसका मैं इनवर्स ले लूं, टेकिंग द इनवर्स, तो क्या रहेगा इसका इनवर्स ले लिया पर जेड इनवर्स हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ए इज इक्वल टू ए की पावर एन। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इसका इनवर्स हो गया ये आ जाएगा, यानी इसी से जनरेट होता है, कोई अलग से अपने को प्रॉपर्टी लर्न करने की रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली जैसे सपोज करो मैंने किसी से निकल लिया जेड ट्रांसफॉर्म वन, क्या होता है जेड अपॉन में जेड माइनस वन, और इसी टाइप से जेड इनवर्स ऑफ, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको जेड अपॉन में जेड माइनस वन क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। सिमिलरली जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन, ये क्या होता है जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका अगर इनवर्स की बात करूँ तो जेड इनवर्स हो जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई इसको जेड अपॉन में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा इसकी एन आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर है, इसी टाइप से आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो जनरली यूज होगा बाइनोमियल थ्योरम्स, क्योंकि अपने को जेड की पावर एन के अंदर वैल्यू आती है वन प्लस एक्स की पावर एन, ये तो आपको वेल नोन है वन प्लस एक्स की पावर एन का इसका एक्सपेंशन ये होता है वन प्लस एक्स वन प्लस एन एक्स प्लस का एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, इसी टाइप से एन एन माइनस वन एन माइनस टू बोथ थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री। अगर मैं यहाँ पर इसी के अंदर वैल्यू पुटअप किए हो डिफरेंट डिफरेंट, अगर यहाँ पर मैं वैल्यू ले लूँ एक्स को मैं रिप्लेस कर दिया माइनस जेड से और एन को मैं रिप्लेस कर दूँ माइनस वन से, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट को आप डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, ये एन का वैल्यू पुट करके सॉल्व आउट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वन माइनस जेड की पावर माइनस वन क्या होता है वन प्लस जेड प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड क्यूब ना, इसी टाइप से डायरेक्ट। तो इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं वन प्लस जेड माइनस वन होना जेड अल्टरनेट रूप से प्लस माइनस आएगा वन माइनस जेड जेड स्क्वायर जेड माइनस क्यू ना ए, और इसको अपन सबमिशन फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस वन उसकी पावर माइनस टू आ जाए तो क्या होता है वन प्लस टू जेड प्लस का थ्री जेड का स्क्वायर प्लस का फोर जेड का क्यूब, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और सबमिशन फॉर्म में ये लिखेंगे अपन प्लस और माइनस आ जाए, प्लस और माइनस तो अल्टरनेट रूप से वही प्लस और माइनस लिखते हो। अब ये वाला मेथड सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि क्लियर है। तो इसके लिए सॉल्व आउट करें तो पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये तो जेड अपने पास ऊपर ये अपने को फिक्स चाहिए, न्यूमरेटर में जब इनवर्स की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में जेड रहना ही चाहिए, क्योंकि दोनों में फॉर्मूले लिखे हैं। यहां पर देखो यहां पर क्या है जेड इनवर्स जेड अपॉन में जेड जेड इनवर्स जेड अपॉन में जो भी वैल्यू जा रही है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो इसी कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने ये वाला मेथड लिया है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जब तो बात देंगे लेट यू बार जेड, ये तो u बार z है कि फंक्शन ऑफ z है, तो ये होता है z अपॉन में 2 माइनस का z और ये 2z माइनस का 1, क्लियर हुआ। इसको अपन अपॉन में z चाहिए तो u बार z अपॉन में ये यहां से z ले लेते हैं अपन 1 अपॉन में 2 माइनस का z और ये आ जाएगा 2z माइनस का 1, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें अपन, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होता क्या है a अपॉन में 2 माइनस z प्लस का बी अपॉन में टू जेड माइनस का वन हो जाएगा। अब अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये मैं साइड में वर्क करता हूँ, ये अपने पास मेन वर्क है। तो यहाँ पर बात करता हूँ क्या आएगा, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, वन इज इक्वल टू यानी इसको लिख सकते हैं ए ये टू जेड माइनस वन प्लस का बी यहाँ से क्या आएगा टू माइनस का जेड। तो अब यहाँ से कंपेरिजन से निकाल दें, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये वाला फैक्टर जीरो ले लें, ये टू माइनस जेड को जीरो करते हैं तो क्या आता है टू माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, या बी से जेड इज इक्वल टू टू जेड इक्वल टू पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म्स रहेगी ए जेड इक्वल टू टू से फोर हो जाएगा माइनस का वन, जेड के मीन्स भी है ए इक्वल टू वन बाय थ्री, क्लियर हुआ। आप इसी टाइप से आप जेड के जीरो भी पुट कर लें तभी अपने पास आंसर आ जाएगा। सपोज को जेड इक्वल टू जीरो ले लिया मैंने, कोई भी वैल्यू
दोनों साइड में सेम रखनी होती है। ये पद आ गया, यहाँ पर जेड जीरो करो तो माइनस का है, ये जेड जीरो हो जाएगा प्लस, ये जेड जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का टू बी। कोई डाउट नहीं है, एक वीडियो को पता है वन बाई थ्री तो वैल्यू क्या आ जाएगी टू बी इज इक्वल टू ये वन, इस साइड में प्लस हो जाएगा वन बाय थ्री यानी थ्री और ये फोर बाय थ्री आ जाएगा यानी बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास टू बाय थ्री आ गया। क्लियर है, टू से टू बाई थ्री तो ए बी की वैल्यू जो भी आप अपने वे से सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर मैं देता हूँ ए की वैल्यू वन बाई थ्री, वन बाई थ्री टू माइनस का जेड प्लस बी की जो वैल्यू है टू बाई थ्री है टू जेड माइनस का वन। तो ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करते हैं अपन उसको लिखते हैं यू बार जेड इज इक्वल टू ये जेड का मल्टीप्लाई करते हैं जेड अपॉन में ये भी टू जेड अपॉन में तो ये आ जाएगा जेड अपॉन में। अब ध्यान में रखना जेड माइनस ए के फॉर्म से होती है ये भी आप ध्यान रखेंगे ना। देखो ये जेड माइनस वन जेड माइनस वन जेड माइनस ए जेड पहले उसके बाद ए वो जेड का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होता है यूनिटी यानी वन आता है। इस केस में यहाँ पर इसके अंदर क्या लेंगे माइनस का जेड ले लेता हूँ तो माइनस का माइनस वैल्यू ले लेता हूँ माइनस थ्री तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये जेड माइनस का टू बन गया मेरे पास प्लस इस केस में देखिए आप टू अपॉन में थ्री का ही ये जेड का जो कोफिशिएंट है यूनिटी यानी वन होनी चाहिए तो टू यहाँ से ले लिया ये टू मेरे पास ले लिया तो जेड माइनस का वन बाय टू और इसके साथ ये जेड तो है क्योंकि ये जेड यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब वी टेक द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ठीक है ना क्योंकि इसको यू बार जेड बना था इसको फिर इनवर्स लेना है टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इसका जेड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया तो इस जेड में लेता हूँ उसकी वैल्यूज को भी यहाँ से और ये भी हटा देते हैं ठीक है इस ये वाली वैल्यू ले ली ये भी हटा देते हैं। नेक्स्ट के लिए जब इसका इनवर्स नहीं तो जेड इनवर्स हो जाएगा यू बार जेड जिसका अपने को फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू इसका जेड ट्रांसफॉर्म ले लीजिए आपको ये माइनस का वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस टू प्लस टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है जेड इनवर्स ये क्या हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस का वन बाई टू। क्लियर हुआ तो ये आपको सब क्लियर होना चाहिए। अब इसका अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस का वन बाय थ्री इसका क्या होगा अभी जेड अपॉन में जेड माइनस का ए ए की जगह टू है तो ये आ गया अपने पास टू की पावर एन प्लस टू बाई थ्री जेड इनवर्स ये क्या होगा माइनस का हाफ है तो ये वन बाय टू की पावर एन तो ये मेरे पास क्या आ गया जेड इनवर्स ऑफ यू बार जेड की वैल्यूज आ गई मेरे पास ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इससे कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं होना देखो ये मेरे पास ये वाला वर्क बताया रखा है जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन ए क्या मेरे पास यहाँ पर ए वन टाइम टू आ रहा है और वन टाइम ए की वैल्यू क्या अपने पास वन बाय टू है तो इसका अप्लाई किया है अपने पास ये वाला रिजल्ट जनरेट हो गया। क्या लिख भी देता हूँ जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए फॉर्मूला होता है ए की पावर एन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।